नमस्कार, मैं रचना शर्मा चंडीगढ़ टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज हरियाणा दौरा। जेपी नड्डा का पंचकुला में आज रोड शो। 6 जनवरी को भी हरियाणा दौरे पर रहेंगे नड्डा। हरियाणा में कई जगह ईडी की छापेमारी। अवैध माइनिंग को लेकर हुआ एक्शन। हरियाणा के कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो नेता के घर पर रेड। अंबाला पुलिस ने सट्टा खाईवाल को किया गिरफ्तार। आरोपी से 2,30,000 रुपए किए बरामद। 2 लोगों को लिया हिरासत में। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 4 जनवरी और 6 जनवरी को हरियाणा के दौरे पर हैं। इस 2 दिवसीय प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचकुला में कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करेंगे और इसके साथ ही आज एक बड़ा रोड शो भी कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पंचकुला पहुंचने पर कार्यक्रम और स्वागत की सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अगुवाई में कार्यकर्ता आज PWD रेस्ट हाउस में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान नड्डा कार्यकर्ताओं में चुनाव 2024 को लेकर जोश भर रहे हैं और जीत का मंत्र देने का भी काम किया जा रहा है। वहीं नड्डा का यह दौरा संगठनात्मक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरह 6 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पंचकुला पहुंचने पर हाउसिंग बोर्ड पर भव्य स्वागत किया जाएगा। स्वागत के बाद नड्डा के नेतृत्व में 4:30 पर रोड शो निकाला जाएगा। यह रोड शो काफी बड़ा और भव्य होगा। इस रोड शो में हजारों कार्यकर्ता और आम जन शामिल होंगे। इसके अलावा कार्यकर्ता बाइकों और कारों से पार्टी के झंडे लेकर रोड शो में शिरकत करेंगे। वहीं नड्डा के पंचकुला आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। अवैध माइनिंग को लेकर हरियाणा में कई जगह ईडी की छापेमारी जारी है। आज सुबह ईडी ने सोनीपत जिले में भी दस्तक दी। ईडी की कई टीमें सोनीपत के कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र पवार के घर पहुंची। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र पवार के घर माइनिंग को लेकर कागजात खंगाले। इस दौरान कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र पवार भी अपने आवास पर मौजूद थे। इसके बाद ईडी की टीम सुरेंद्र पवार के सहयोगी सुरेश त्यागी के घर पर भी पहुंची। बता दें कि अवैध माइनिंग को लेकर हरियाणा में कई जगह ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी की अलग अलग टीमें हरियाणा के 3 जिलों में पहुंची हुई हैं। इसी तरह करनाल में बीजेपी नेता मनोज वधवा के घर ईडी ने छापेमारी की है। मनोज वधवा यमुनानगर में खनन कारोबार से जुड़े हुए हैं। इसी तरह यमुनानगर में नैलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के यहां भी ईडी की टीम ने दस्तक दी। यमुनानगर और आसपास के जिलों में अवैध खनन को लेकर यह रेड की गई। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में वन लगाने के लिए करीब 5,000 एकड़ जमीन ई भूमि पोर्टल के माध्यम से खरीदने के कार्य की प्री समीक्षा की। उन्होंने पटौदी और रेवाड़ी के बीच शेरशाह सूरी मार्ग पर करीब 88 फुट लंबे हिस्से का वन विभाग से लंबित मामले का समाधान करने के भी निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में लोक निर्माण तथा वन विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भविष्य की विभागीय जरूरतों को देखते हुए दक्षिण हरियाणा के साथ लगते 10 जिलों में 500-500 एकड़ जमीन ई भूमि पोर्टल के माध्यम से लैंड बैंक के रूप में एकत्रित की जाए ताकि वन विभाग को पेड़ लगाकर बदले में सौंपी जा सके। उन्होंने फिर दोहराया कि जब लोक निर्माण विभाग को कोई नई सड़क बनानी या चौड़ी करनी होती है तो वहाँ पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें काटने के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ऐसे मामलों में औपचारिकताओं को पूरा करने में कभी कभी समय लगता है और परियोजनाओं में देरी होती है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग अपनी जमीन पर पहले से ही पेड़ पौधे लगाएगा। पिछले कई दिनों से लगातार अंबाला शहर 4 नंबर चौकी के एरिया में सट्टा खाईवाल को लेकर पुलिस को सूचना मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित करते हुए कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी से मौके पर रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 2,30,000 रुपए मौके से बरामद किए और 2 लोगों को हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कल पुलिस पार्टी को सूचना मिली थी 4 नंबर चौकी के इलाका में कि एक मकान में गुरविंदर एलियस पप्पू जो है वो सट्टा की खाई वाली कर रहा। जिस इंफॉर्मेशन पर पुलिस जब वहाँ रेड के लिए पहुंची तो वहाँ पुलिस को सूचना मिली कि उन्होंने एक व्यक्ति हरीश नाम के व्यक्ति को अंदर बंद किया हुआ है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने
जो कमरा खुलवाया, और जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो इन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसके पश्चात पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वहां से 2,30,106 रुपये के आसपास गैम्बलिंग के पैसों की रिकवरी की है, और अन्य साक्ष्य भी वहां से रिकवर हुए हैं। और मौका से दो व्यक्तियों जिनमें सुरेंद्र पाल सिंह एलियस शेंटी और गुरिंदर सिंह एलियस पप्पू, इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। गैम्बलिंग किस तरह की थी? कार्ड गैम्बलिंग थी या कोई दूसरे तरीके का? सट्टा की खाई वाली की इन्फॉर्मेशन थी, और इसी इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही सर्दी और कोहरे की डबल अटैक भी शुरू हो गया है। हरियाणा कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है। अभी पूरे सप्ताह कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। विभिन्न जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के लिहाज से अगले 5 दिन सूबे पर भारी पड़ने वाले हैं। 7 जनवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ठंड से आशंका रहित मिलने के भी आसार है। 8 और 9 जनवरी के दौरान मौसम में बदलाव और तापमान में उतार चढ़ाव आएगा, और समय स्थानों पर बूंदाबांदी की भी संभावना है। प्रदेश में पटवारी और कानून को 3 दिन की हड़ताल पर हैं। इसके चलते तहसीलों में इंतकाल और जमाबंदी का काम ठप हो गया। लोगों के जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल तक नहीं बन पाए। ऐसे में लोग पूरा दिन कार्यालयों के चक्कर काटते रहे। अन्य दिनों की अपेक्षा करीब 30 रजिस्ट्री कम हुई। हड़ताल के पहले दिन करीब 80 रजिस्ट्री हुई, जबकि सामान्य दिनों में 110 रजिस्ट्रियां होती थी। वही एसोसिएशन ने हड़ताल का असर अगले 2 दिन पड़ने का दावा किया। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी मांग की। जिले के 51 पटवारी और 13 कानून को रेवेन्यू पटवार और कानून को एसोसिएशन के बैनर तले 3 दिन की हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल उनकी मांगों को लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उनको अनदेखा कर दिया गया। 2016 की मांगों को 2023 में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे 2016 और 2013 में नियुक्त पटवारियों का वेतन बराबर है, जबकि पूर्व में नियुक्त पटवारियों का वेतन उस समय के हिसाब से होना चाहिए। एक तरफ जहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी और कानून को हड़ताल पर बैठे हैं, वहीं अपनी मांगों को लेकर देश भर के डिपो होल्डर भी हड़ताल पर चले गए हैं। डिपो होल्डरों की हड़ताल के कारण जनता को राशन नहीं दिया जा रहा। ऑल इंडिया राशन डिपो एसोसिएशन के आह्वान पर आज अम्बाला में जिले भर के डिपो होल्डरों ने इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ऐलान किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे जल्द नहीं मानी तो ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी और लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा। हमारी मुख्य मांगे जो है 1 से 20 पॉइंट हैं हमारे, जो हमने आपके माध्यम से भी ये दिया जा रहा है और हम अपने आला अधिकारियों को भी ये दे चुके हैं। हमारी जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, 1 तारीख से 15 तारीख तक हम हड़ताल पर हैं। अगर ये 15 तारीख तक भी नहीं मानती तो आगे 16 से भी आगे भी बढ़ सकती है। 16 को हमारा जो है ऑल इंडिया का जो ये हड़ताल चल रही है, वहां जंतर मंतर पे इकट्ठा होने का भी एक प्रोग्राम है। हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि हमारी एक तो कमीशन बहुत कम है, इस कमीशन में हमारा डिपो होल्डर का गुजारा नहीं होता है, इसलिए हमारी कमीशन बढ़ाई जाए और हर माह हमें हमारे अकाउंट में ये कमीशन जो है आनी चाहिए। और एक 2022 में एक कानून इन्होंने नया बनाया है, जिसमें 60 साल के जो डिपो धारक हैं उनका आगे लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा, उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। ये भी सरासर गलत है। हम कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है जो हमें रिटायर कर रही है या हमें छोड़ रही है। अगर लागू करना है तो जो जब से बनाया उसके बाद के जो नए डिपो हैं उन पे लागू किया जाए, ना कि पुराने पे। कोई ऐसा हमारा एग्रीमेंट पुराना नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि हमें जो अगर रिटायर करती भी है तो हमें सरकारी कर्मचारी माने, और जो सरकारी कर्मचारी के फैसिलिटी होती है, जो पेंशन होती है, हमें दे दे, हमें मंजूर है। बाकी ये 300 कार्डों पर भी एक नया डिपो बनाने जा रहे हैं। अभी 300 कार्ड लिमिट करके, 300 पहले ही इतना गुजारा नहीं होता, जितने राशन कार्ड है इतना राशन है, हमारा दुकान का किराया, बिजली पानी खर्चा करके खर्चे और कोई खर्चे होते हैं वही नहीं पूरे होते। 300 में तो क्या बनेगा, 300 में तो इतनी दुकान भी नहीं आएगी जो 5-6 हजार बनेगा। तो यही हमारी मुख्य मांगे हैं। अगर ना मानेगी तो हम आगे लंबी हड़ताल करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश और प्रदेश की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत को सहेजने और संरक्षण देने का काम किया है। देश और प्रदेश के धार्मिक तीर्थ स्थलों का निरंतर जीर्णोद्धार और सौंदर्यकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के 48 कोस के परिधि में पड़ने वाले सभी तीर्थों का जीर्णोद्धार करने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत सभी तीर्थों पर
करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नायब सिंह सैनी करीब 95 लाख से होने वाले क्योकड़ के कोटिकुट और बलवंती के वेदवर्ती तीर्थ के सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास करने के दौरान बोल रहे थे। सांसद ने कहा कि आज देश के सभी तीर्थों को बदलने का काम किया गया है, जिससे लोगों को हमारी आस्था के केंद्रों में भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने का माहौल मिल रहा है। पिहोवा में किसान यूनियन चिडुनी ग्रुप द्वारा मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम एक ज्ञापन एसडीएम पिहोवा को सौंपा गया। इस दौरान बरसात से आई बाढ़ के कारण पूरे प्रदेश में फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग की गई। पिछले साल किसानों की हजारों एकड़ फसल बाढ़ के कारण खराब हो गई थी, जिसका मुआवजा देने की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा की गई थी और किसानों को क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खराबा दर्ज करने के लिए सरकार द्वारा कहा गया था। किसानों का कहना है कि खराबा दर्ज करने के बावजूद सभी किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा खराबे की गिरदावरी करने के लिए उपायुक्तों को पत्र जारी कर किसान का 5 एकड़ से ज्यादा खराबा दर्ज न करने की हिदायत दी गई है, जिसका किसानों ने विरोध किया है। देखिए, पेवा हल्के जो किसान हैं वो एसडीएम पेवा के दफ्तर पर इकट्ठे हुए हैं, जहां ज्ञापन सौंपा जाएगा क्योंकि जो पिछले वर्ष बाढ़ के कारण खराबा किसानों का हुआ था उसका पर्याप्त मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। सरकार ने एक पत्र जारी करके किसानों के साथ कुठाराघात किया कि 5 एकड़ से ऊपर खराबा दर्ज ही नहीं करना है और अधिकारियों के हाथ बांध दिए, जिस कारण खेती करने वाले किसान जो ठेके पे लेके खेती करते हैं, जिनकी मलकियत 5 एकड़ से ऊपर है, वो मुआवजे से वंचित रह गए हैं। और पेहवा में मुआवजे में अनियमितता भी सामने आई है, कई लोगों का खराबा वेरीफाई भी हो गया, उसके बाद 1 रुपए का भी मुआवजा उन्हें नहीं मिला। जैसे अधोया में है, वहां अभी भी 17 एकड़ में खड्डे पड़े हुए हैं, खदान है, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। हेलवा गांव के अंदर खराबा हुआ, उसको पोर्टल पर वेरीफाई नहीं किया गया। असमानपुर में भी 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं मिला। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के एसडीएम साहब से चर्चा करनी है और उनको स्थिति से अवगत करवाना है और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। गुमथला गांव के गलियों और नालियों में खड़े पानी से परेशान है गांववासी। फिरनी भी तालाब का रूप ले चुकी है, लेकिन शिकायत करने पर भी हल नहीं निकल रहा है, जिससे परेशान गांव वालों ने प्रशासन से गलियों और नालियों के खड़े पानी की समस्या से निजात दिलवाने की मांग की है। वहीं मामले के बारे में गुमथला गांव के सरपंच प्रवीण कुमार का कहना है कि टेंडर पास हो चुका है, जल्द ही समस्या का हल हो जाएगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।